एशियन गेम्स में इस बार भारत का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और ख़ास तौर पर कबड्डी की बात करें तो उसमें महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता गया है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है जो इस महिला कबड्डी टीम की हिस्सा रही हैं, और इस वक्त रितु नेगी जो भारतीय महिला कबड्डी टीम की कैप्टन थी वो इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं। रितु जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि, भारत के नाम भी, हिमाचल का नाम भी रोशन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी चुनौती थी ये जीत दर्ज करना, गोल्ड मेडल आना? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और हमें बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम देश के लिए गोल्ड लेके आए। और इससे भी अच्छी बात है कि कबड्डी टीम में हिमाचल के 6 बच्चे थे जिसमें 5 लड़कियां थी और एक लड़का था, और हम दोनों वर्ग में गोल्ड मेडल लेके आए। तो कितना चुनौती रहा, हालांकि फाइट काफ़ी ज़्यादा थी और उम्मीदें इस बार भारत को थी कि काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल लेकर आएंगे और 100 से ज़्यादा ऊपर संख्या जा चुकी है, तो चुनौती कितना रही? बहुत ही ज़्यादा रहा, क्योंकि जो हमारे मैचेज हुए थे तो जो जब हमारा फर्स्ट मैच हुआ चाइनीज़ ताइपे के साथ, तो हमारा वो मैच टाई रहा था पुल में। उसके बाद और ऑलरेडी हमारे ऊपर इतना प्रेशर था कि लास्ट में टीम में सिल्वर मेडल रहा था, तो हमें ये था कि हमें अपना गोल्ड रीगेन करना है। और फिर हमने बहुत अच्छे मैचेस खेले बाद में, और फिर चाइनीज़ ताइपे हमारे साथ फाइनल में फिर आया, तो हमारा मैच मतलब नेक टू नेक चला। पर हम फिर मतलब इतने मेहनत कर रहे थे और हमारे कोचेज ने भी टाइम आउट लेके हमें ये समझाया था कि लास्ट 1 सेकंड तक हार नहीं मानी, जो कि हमने वही किया जो हमारे कोचेज ने बताया, और हम उसी की वजह से गोल लेके आए। और हमारी टीम भी बहुत अच्छा खेली, हमारे रेडर बहुत अच्छे खेले, डिफेंडर, पूरी टीम कोऑर्डिनेट होकर खेली। आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, उसका जवाब चाहूँगा कि हिमाचल में देखा जाता है कि खेलों में प्रदर्शन तो अच्छा करते हैं लेकिन जो प्रोत्साहन सरकार को देना चाहिए उसमें कमी है दूसरे राज्यों की तर्ज पर अगर देखें, आपको क्या लगता है कि अब सरकार को क्या करना चाहिए? हालांकि 15-15 लाख की घोषणा तो खेल मंत्री ने की है, क्या होना चाहिए बाकी? एसपी गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि वो हमारे लिए थोड़ा सोचे, क्योंकि जो हम ये मेडल लेके आए हैं स्वर्ण पदक, तो ये 12 लड़कियां होती इसमें और एक ही गेम है, एक ही मेडल है, तो हमारे जो प्राइज है, कैश है, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे हरियाणा में 3 करोड़ है और महाराष्ट्र में, राजस्थान में 1 करोड़ है, तो और एसपी गवर्नमेंट ने 15 लाख अनाउंस किया है, तो हम यही चाहते हैं कि अगर आप 100% नहीं कर सकते तो 50% करना चाहिए। और बाकी जो हमारे जॉब की बात कहना चाहूँगी, हमारे 5 में से 3 लड़कियाँ ऐसी है जो अदर स्टेट में जॉब कर रही है, अगर हमारे यहाँ पे क्लास वन ऑफिसर या अच्छी पोस्ट दी जाए तो हमें बाहर जाने की जरूरत, अदर स्टेट में जॉब करने की वो नहीं है। तो आपको लगता है कि ये सरकार को अब गंभीरता से सोचना चाहिए, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगता है आपको हिमाचल में खेलों के लिए है या अभी कमियाँ हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है? देखिए, खेलों के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगी, हिमाचल में 2 हॉस्टल है, एक स्टेट हॉस्टल बिलासपुर में, एक एसटीसी धर्मशाला में, तो एकेडमी भी है नालागढ़ में, तो खेलों के लिए ठीक है। पर बट जब हम मेडल लेके आते हैं, जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, उन्हें सेम ही पोस्ट दी जाती है, तो उस बारे में अच्छी पॉलिसी बनाए ताकि और ज़्यादा बच्चे हिमाचल के आगे जाए और देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, ये रितु नेगी थी और भारतीय जो कबड्डी टीम है उसकी और भी जो मेंबर है वो हमारे साथ ही। आपका नाम क्या है और कितना खुश हैं इस जीत के बाद? जब आप वहाँ गए थे तो आपको लगता था कि हम वास्तव में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे? मेरा नाम ज्योति है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ये सपना मैंने 15 साल से देखा था और इस सपने के लिए हमने 15 साल से मेहनत की है और हम देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। अभी क्या कमियां लगती है आपको कि कबड्डी के प्रति रुझान है लड़कियों का, या कहां पर वो कमी रह जाती है? सरकार की तरफ से क्या प्रोत्साहन मिलना चाहिए जो अभी नहीं मिल रहा है? अब तो जगह जगह पे मतलब हर जगह पे साई सेंटर, एकेडमी वगैरह खोली गई है, तो मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि वो उस सेंटर को ज्वाइन करें। और सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे हर स्टेट में अलग अलग पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी यहाँ हिमाचल में भी लागू की जाए, हमें कैश अवार्ड दिया जाए और स्टेट अवार्ड भी दिए जाए और अच्छी जॉब भी दी जाए ताकि जो बच्चे बाहर जॉब करने के लिए ना जाए। बिल्कुल, आपका भी नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और बेहतरीन प्रदर्शन आपने भी किया है कबड्डी के उस खेल में, और अभी आपको क्या लगता है कि सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए इन खेलों को भी, उसमें लड़कियां कहां पीछे रह जाती हैं और सरकार से कहां कमियां रह जाती हैं जो पूरी करनी चाहिए? मेरा नाम पुष्पा राणा है, मैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम मेडल लेके आए हैं, और हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जैसी पॉलिसी अदर स्टेट में है वैसे ही हमारे लिए भी अप्लाई की जाए और
और क्योंकि मेडल 12 प्लेयर का सेम ही है और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि 5 लड़कियां जो है हिमाचल से खेली थी और प्लेइंग 7 में भी हमारी 4 लड़कियां थी और जिसमें कैप्टन भी हमारे हिमाचल के थे और एज अ रेडर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले भी हिमाचल से ही है, तो हमारे लिए भी सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो ये मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए भी जैसे अदर स्टेट में पॉलिसी है वैसे हो, और लड़कियों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि खूब मेहनत करें, और लड़कियों के थोड़े कमी की वजह से भी आ जाती है कि हमारी जो प्रो कबड्डी है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बॉयज़ की स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से भी लड़कों को ज़्यादा बेनिफिट है और लड़कियों को थोड़ा सा कम है, और होप है कि आगे प्रो कबड्डी भी स्टार्ट हो जाएगी और लड़कियों को भी वैसे ही नाम फेम मिलेगा। बिल्कुल, लड़कियों को आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ और भी जो खिलाड़ी हैं हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है और ये भी मुझे पता चला है कि आप राजस्थान पुलिस में हैं, तो क्यों हिमाचल छोड़ के आपको राजस्थान पुलिस में जाना पड़ा और क्या यहाँ कमियाँ हैं जो सरकारों को दूर करनी चाहिए? सर, मेरा नाम सुषमा शर्मा है और जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान पुलिस, तो मैं और निधि शर्मा जो मेरे साथ अभी है यहाँ पे, हम दोनों राजस्थान पुलिस में है। राजस्थान पुलिस में हमें इसलिए जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमने हिमाचल के लिए कोई 10 या 15 मेडल दे दिए है, तो हमें यहाँ पे जो जॉब आ रही थी या कॉन्स्टेबल या फिर मतलब जो सी ग्रेड की जॉब आ रही थी फॉरेस्ट मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, तो इतनी ज़्यादा अचीवमेंट लेके भी हमें ये वाली पोस्ट दे रहे थे, तो राजस्थान पुलिस ने हमें सब इंस्पेक्टर दिया है, तो इसलिए हमें वहाँ पर जाना पड़ा। और मैं यही डिमांड करना चाहती हूँ आगे कि अब हमने देश के लिए, अपने भारत के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तो अब हमें हिमाचल सरकार से यही डिमांड करना चाहती हूँ कि हमें अच्छी सी नौकरी दी जाए और थोड़ा कैश प्राइस भी बढ़ा दिया जाए अदर स्टेट के मुताबिक। बिल्कुल, हिमाचल में वैसे तो 15 लाख अभी अनाउंस किया है, आपको लगता है कि ये कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि पड़ोसी राज्यों में जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज है उसमें कहते हैं कि पद पाओ, ये ऐसी पॉलिसियाँ हिमाचल में भी होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अदर स्टेट है उनमें इतना ज़्यादा 3 करोड़ इतना प्राइज मिल रहा है और हमारे 15 लाख उनके मुताबिक हमारा बहुत कम है, तो हमें इतना ज़्यादा तो नहीं बोलते पर 50% हमें यहाँ बढ़ाना चाहिए। सरकार से यही दरख्वास्त है हमारी कि थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करें क्योंकि हम भी तो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेडल आ रहे, भारत का नाम इतना ऊपर कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ी हमारी विनम्र प्रार्थना है उनसे कि हमारा थोड़ा कैश प्राइस बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल, देखिए ये तमाम भारतीय कबड्डी टीम की खिलाड़ी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी जो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं, बेहतरीन प्रदर्शन किया, कबड्डी में गोल्ड मेडल आया एशियन गेम्स में और कबड्डी टीम की कैप्टन भी हिमाचल प्रदेश से ही थी, तो ऐसे में अब इनको उम्मीदें हैं राज्य सरकार से कि अब बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना चाहिए और उनको जो कैश प्राइज़ मिलता है बाकी राज्यों की तुलना में अगर उतना नहीं दे सकते तो 50% मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये गौरवान्वित पल है हिमाचल प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी कि एशियन गेम्स में इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है कबड्डी टीम ने और उसमें चाहे महिला वर्ग है चाहे पुरुष वर्ग है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।